डियर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम लोगों को सारी क्लासेस ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन फिर से बंद हो गए। तो हमको क्या करना है कि अभी इसी तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो ओके, तो अभी मैं कुछ लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस का है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप लोगों को पता है यूनिट टू, जो कि मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ जीसी रायपुर में। तो ये जो यूनिट टू है जिसमें हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका दो लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस चैनल पे। आपको पता है कि एक लेक्चर था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर, तो वो पार्ट वन था। अभी मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टू के बारे में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बचा हुआ पार्ट है वो, जिसमें हम पढ़ेंगे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो उन ट्रांजिशन के बारे में मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ। अभी अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड पार्ट, जिसमें तीन मेन पॉइंट है। एक तो है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसके बाद आता है क्रोमोफोर, और एक आता है ऑक्सोक्रोम, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एक लॉ है जिसको बोलते हैं बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ये इन चार चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, EMR। व्हाट इज EMR? इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पता है कि मैक्सवेल ने 1864 में क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैन बिहेव एज वेव। तो अगर ये वेव है तो वेव इस तरीके से चलते हैं, ओके? और इसमें आपको पता है कि इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये ट्रफ है, ओके, अगेन क्रेस्ट, और इनके उसके बाद कुछ इनके पैरामीटर्स आते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ वेव? तो पैरामीटर्स की बात करें तो फर्स्ट इज वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? तो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो टू कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना, अ लेंथ ऑफ वेव। वैसे ही टू कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ से। वेवलेंथ को लिखा जाता है क्या, लैम्डा। तो लैम्डा लिखा जाता है ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है या तो एंगस्ट्रॉम में या तो नैनोमीटर में, मोस्टली इन दो यूनिट्स में इनको शो किया जाता है। इसके अलावा पिकोमीटर में भी शो कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में, सेंटीमीटर में, बट वेवलेंथ जो होती है मोस्टली एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में शो करते हैं, दैट इज यूनिट, ओके। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो एक आती है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है क्या? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा, आपको पता है कि रिपीटेशन, बार बार रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे, हम देखेंगे कि पर सेकेंड वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, दैट रिपीटेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेव इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड एक गिवन पॉइंट में नंबर ऑफ वेव्स कितनी बार होती है, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी बार होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, और इनकी यूनिट होगी सेकेंड एमएस, दैट इज हर्ट्ज, ओके। एंड थर्ड, थर्ड क्या है फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या होगा, तो वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये भी वैसे ही होगा, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ वेव्स। तो इसको हम पर यूनिट लेंथ है तो एक सेंटीमीटर में, सपोज दिस इज वन सेंटीमीटर सपोज, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स देखेंगे और इसमें नंबर ऑफ वेव्स देखेंगे, तब देखेंगे, क्योंकि ये एरिया सॉरी इनकी जो लेंथ है वो सेम है वन सेंटीमीटर, लेकिन इनके वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स अलग अलग है, तो उसको हम इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों का वेव नंबर जो है वो अलग होगा पर सेंटीमीटर में, ओके। तो ये तीन मेन पॉइंट है। इसके साथ आती है फोर्थ, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो भी प्रोडक्ट आती है वो होगी क्या, वेलोसिटी। तो ये होती है इनके बारे में जो बताया था मैक्सवेल ने, और इनका इंटररिलेशन क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वेवलेंथ, ओके। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो ये हो जाएगा c बाई लैम्डा, c इज द स्पीड ऑफ लाइट,
ओके तो ये इस तरीके से हम बात करेंगे। अब इसमें जो 1/λ है उसको न्यू बार भी बोलते हैं, ये इस तरीके से तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी न्यू बार। ये कुछ रिलेशन है इसलिए ताकि आप एक से दूसरे फाइंड कर सको। कैलकुलेशन में आप बहुत अच्छे हैं तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, बस यूनिट का खास ध्यान रखेंगे सभी में। याद रखेंगे वेव नंबर हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, ये हमेशा सेकंड इनवर्स में होगा, और लैम्डा जो है उसको हमें नैनोमीटर में है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर तक लेकर आना होगा। ओके तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोमो बीएलएमएट लॉ के बारे में। तो ये था बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में ही हो या कई जगहों पर इनको पढ़ते हैं तो इनका कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, मैंने बताया था आप लोगों को। ये तो ट्रांजिशन हम पूरी पढ़ चुके हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कि नॉन बॉन्डिंग लेवल पे है या फिर बॉन्डिंग लेवल पे सिग्मा या पाई पे, तो वो क्या करता है लाइट जैसे ही उनको दी जाती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो वो जब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट उसको न्यूमेरिकली किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम बात करते हैं सपोज ये क्या है सैंपल इसके अंदर रखा हुआ है, इसको क्यूबेट बोलते हैं जिसमें सैंपल रखा जाता है ना। तो ये क्यूबेट है, क्यूबेट के अंदर सैंपल रखा जाता है और इसमें क्या करना है हमको लाइट पास करना है। तो जब हम इसमें लाइट पास करेंगे इस तरीके से तो वो जो सैंपल है उसमें जो भी सैंपल में जो भी उसमें कंपाउंड है वो क्या करेगा लाइट को एब्सॉर्ब करेगा या उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। और उसके बाद पूरी लाइट तो वो एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, कुछ लाइट को वो क्या करेंगे इमिट भी करेंगे। तो जब वो लाइट को एब्सॉर्ब और इमिट करते हैं तो ध्यान ही देना है कि इसमें हम कुछ टर्म्स लिखते हैं जैसे आई जीरो और ये आई आई जीरो और आई। तो आई जीरो क्या है, आई जीरो इज द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने उसको दिया, जितना भी लाइट हमने जितनी भी एनर्जी उसको दी दैट इज आई जीरो। सैंपल क्या करेगा क्यूबेट के अंदर जो सैंपल है वो यहां पर एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके बाद कुछ लाइट इमिट करेगा या ट्रांसमिट करेगा दैट इज, तो इसको हम क्या बोलेंगे इमिटेड लाइट, इमिटेड लाइट। तो इसमें दो टर्म्स जो है वो निकल के बाहर आते हैं। तो वो दो टर्म्स कौन कौन से हैं, एक टर्म होता है एब्सॉर्बेंस जिसकी स्टडी की जाती है और एक टर्म्स होते हैं ट्रांसमिटेंस। एब्सॉर्बेंस मतलब यहां देखेंगे वो कितना एब्सॉर्ब कर रहा है और ट्रांसमिटेंस मतलब कितना वो ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज इमिटेड लाइट, है ना। या इमिटेड लाइट का रेडिएशन जो है तो ये हो गया ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको ट्रांसमिटर्स बोलेंगे, इधर हो रहा है एब्जॉर्प्शन तो इसको एब्जॉर्बेंस बोलेंगे। तो अभी इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं तो एब्जॉर्बेंस को डिनोट किया जाता है किससे, लॉग बेस 10 होगा आई जीरो अपॉन आई से, दैट इज एब्जॉर्बेंस, है ना। अभी मैं इसके लॉ के बारे में बताऊंगा, पहले ही बता दूं एब्जॉर्बेंस क्या है। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो ये होता है और इसको डिनोट करते हैं किससे ए से, है ना। वही ट्रांसमिटेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे टी से, तो टी इक्वल्स टू होता है आई अपॉन आई जीरो, ठीक है। आई जितना उसने ट्रांसमिट किया अपॉन आई जीरो, तो ये हमेशा एक परसेंटेज में निकल के बाहर आता है ट्रांसमिटेंस जो है। जैसे कि अगर हम बात करें 20% ट्रांसमिटेंस, 20% ट्रांसमिटेंस इसका मतलब क्या हुआ, 20% ट्रांसमिटेंस का मतलब आई की वैल्यू कितनी हुई 20 और आई जीरो की वैल्यू कितनी हुई 100, मतलब हमने 100 इसको दिया था जिसमें से 20 जो है ट्रांसमिट हुआ है या इमिट हुआ है तो बचा कितना 80 जो है वो एब्सॉर्ब, इस तरीके की चीजें है। बट एब्सॉर्बेंस जो है वो हमने फाइंड किया इससे क्योंकि इसका फॉर्मूला है ये लॉग आई जीरो अपॉन आई से, तो लॉग आई जीरो अपॉन आई जो है और ये ट्रांसमिटेंस है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस लॉग आई ऊपर आ जाएगा आई अपॉन आई जीरो, ठीक है। सिर्फ ये हम इसलिए करें ताकि इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई अपॉन आई जीरो हम क्या बोलते हैं टी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग टी, तो इसका मतलब एब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग टी। तो एब्सॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में जो रिलेशन है ऐसा मत करना भाई कि ट्रांसमिटेंस निकल आया तो उसको इनिशियल वाले से माइनस कर दिया तो एब्सॉर्बेंस निकलेगा, नहीं। एब्सॉर्प्शन में जो ये एब्सॉर्बेंस टर्म है दैट बिलोंग्स टू दिस फॉर्मूला,
कि absorbance equals to minus log t, ठीक है। तो transmittance अगर आपको मालूम है तो वहां से आप absorbance find कर सकते हैं, और absorbance find करने का क्या फायदा है वो मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो ये सारी चीजें instrument में होती हैं, जैसे आप instrument में sample डालेंगे वो absorbance दे देगा, transmittance दे देगा, concentration दे देगा, सब दे देगा। तो हमको वो सारी चीजें जब मिल ही जाती है, बट यहाँ हम इसका क्या यूज है वो देख रहे हैं। तो ट्रांसमिटेंस मैंने एग्जांपल लिया था अभी 20% ट्रांसमिटेंस, आई की वैल्यू हो गई 20, आई जीरो की वैल्यू हो गई 100। अभी आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एब्जॉर्बेंस इन दिस केस, ए की वैल्यू कितनी होगी। तो ए इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो ए इक्वल्स टू आएगा माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी है 20% में 20/100, दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेंस। या फिर आप ऐसे ही लिख लो आई की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 20, अभी हमने लिखा ना माइनस लॉग आई अपॉन आई जीरो, तो ये कितना हो गया आई की वैल्यू 20, आई जीरो की वैल्यू 100, माइनस पे इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा अगेन प्लस हो जाएगा अगर, तो प्लस लॉग 100/20 आप इसको उल्टा कर देंगे, 100/20 कितना होता है भाई 5, तो दिस इज लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699, तो दिस 0.699। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया एब्सॉर्बेंस, तो एब्सॉर्बेंस की वैल्यू आ गई 0.699। इसकी अब यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट लेस होगा क्योंकि लॉग की वैल्यू है, लॉग की वैल्यू हमेशा यूनिट लेस होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज एब्सॉर्बेंस एंड व्हाट इज ट्रांसमिटेंस। अब इसके पीछे एक लॉ है, वो लॉ क्या है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। तो इसमें देखेंगे जब ये हम लाइट की बात कर रहे थे एब्सॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की, तो एक लॉ होता है बियर लैम्बर्ट लॉ, बहुत सिंपल है क्योंकि उन्होंने assumption, बियर और लैम्बर्ट अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ assumption निकाले थे, वो assumptions क्या थे, तो उन्होंने बोला कि जो absorbance है या absorption है, absorbance या फिर हम कह सकते हैं absorption जो है वो डिपेंड करता है टू एक्सटर्नल पैरामीटर्स पे, है ना, टू एक्सटर्नल assumptions पे, एक्सटर्नल पैरामीटर, या हम कह सकते हैं absorption depends on external parameters। वह external parameters कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कि जो absorption है वो directly proportional हो सकता है concentration of sample के, ये जो sample हमने लिया है, जो compound लिया है उसके concentration पे क्या होगा depend करेगा directly, कौन absorption। और वैसे उन्होंने एक तो बियर ने बताया, एक लैम्बर्ट ने बताया, तो उन्होंने कहा कि जो absorption है वो डायरेक्टली डिपेंड कर सकता है लेंथ पे। अब किसकी लेंथ पे, इस क्यूबिट की लेंथ पे, सैंपल की लेंथ पे, लेंथ किसकी सैंपल की बोल सकते हैं क्यूबिट की, क्योंकि सपोज ये क्यूबिट है, क्यूबिट ऐसा ही होता है बस इससे हाफ होता है साइज में, तो इसकी जो थिकनेस है वही डिपेंड करता है। तो ये जितना मोटा है, जितना इसके अंदर सैंपल जाएगा, तो लाइट कितने थिकनेस तक उसने क्या किया पास, जब लाइट पास हो रहा है तो किस थिकनेस को वो क्रॉस करके गया है, तो दैट उस पे भी वो डिपेंड करेगा भाई। अगर ये सैंपल होता तो लाइट क्या है, इसमें देखिए लाइट यहां से यहां तक पास हुआ, यहां पे लाइट यहां से यहां तक पास हो रहा है, तो उस पे ही डिपेंड करेगा क्या एब्जॉर्प्शन। तो ये दो चीजें हैं, कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगा और एक इस पे करेगा लेंथ पे। तो इसको उन्होंने फॉर्मुलेट किया कि एब्जॉर्बेंस, अगर हम इन दोनों को देखिए वो लिख सकते हैं यहां पर कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब आप लेंथ को हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा डेसीमीटर में रखा जाता है इन केस ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना। तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्ट, अगर इसको हम कंबाइन कर दें तो हो जाएगा एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू एल, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट जनरेट, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन सी एल। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक तो इसको हम बोलते हैं मोलर एब्सॉर्प्टिविटी, मोलर एब्सॉर्प्टिविटी, और इसी एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन, क्योंकि ये यूनिटलेस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, एप्सिलॉन एब्सॉर्बेंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। अब इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे बहुत सिंपल है, क्या होगा, ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है,
तो क्वेश्चन में क्या होगा, एप्सिलॉन गिवन होगा, एब्जॉर्बेंस गिवन होगा, लेंथ सैंपल लेंथ गिवन होगा। तो अगर आपके पास एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन का कोई सैंपल है तो उसका हम यहाँ से क्या फाइंड कर पाएंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर पाएंगे। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है, बहुत सारे है ना। तो सिंपल है भाई, आपको क्यूबिट का लेंथ पता है क्योंकि आपने इसको रखा है, उसमें आपने सैंपल डाले, आपको कोई भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन का बना दिया, कुछ भी पानी डाल दिया, कुछ भी मिला दिया, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो आप क्या करेंगे उसको सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी में डालेंगे, आपको पता है कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का एब्सॉर्बेंस जो है वो फाइंड करके दे देगा आपको, और एप्सिलॉन तो फिक्स वैल्यू है उसके लिए, तो क्या होगा वहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हम इस लॉ का यूज करते हैं, और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करना है क्या है, बहुत सिंपल है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लास में या जैसे भी हो आप पूछ सकते हैं ना। तो ये है एब्जॉर्प्शन, और इस ओके मैंने अभी तक ये नहीं बताया, बताया था शायद नहीं कि इसको, इस लॉ को, ये जो यहाँ लिखा गया है इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे याद रखना। या तो जो मैंने इससे जस्ट पहले बताया कि एब्जॉर्बेंस देखिए ट्रांसमिटेंस पूछेगा, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू देखिए एब्जॉर्बेंस पूछेगा, फर्स्ट एंड सेकंड दो टाइप के क्वेश्चन। थर्ड, इसमें से इस फॉर्मूले में से चार वैल्यूज है आपके पास, चारों में से कोई भी तीन वैल्यू देकर आपको अगली वैल्यू पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आज आप लोगों को बता दिए हैं जो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस यूनिट में जो हमने देखा, क्या क्या देखा, सबसे पहला जो पहला पार्ट मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हम देखे थे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, है ना, थ्योरी और प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही क्लास में समझा दिया था। उसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट आता है जिसमें हमने क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ये बियर लैम्बर्ट लॉ देखा है। इस तरीके से यूनिट टू का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे आईआर विजिबल, सॉरी आईआर या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आईआर और जो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके,